गंग गणपते नमः। जय माँ तारा। आज श्रीमद् देवी भागवत पुराण के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय की कथा कहते हैं। पूर्व में भगवती जगदम्बा का ध्यान करते हैं। ओम सृष्टो या सर्ग रूपा जगनवन विदो पालनीया च रुद्री संहारे चाप्यस्य जगदीदमखिलनम किरणनम या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्ण रूपा सा अस्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहर्षे गिरिशाराधिता अलंकरोतु। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जया मुदीर्यते। ओं सर्वचैतन्य रूपां तामाध्यं वेद्यां च धीमहि बुद्धियानः प्रचोदयातः। सोनक वाच। सोनक जी कहते हैं, सूत सूत महाभागा धान्योसि पुरर्खभ यदधीता त्वया सम्यग पुराण संहिता शुभा। हे सूत जी, आप महाभाग्य हैं, आप धन्य हैं और पुरुषोत्तम पुरुष हैं, आप महान ऋषि हैं, आपने शुभकारी सब शुभों को करने वाली पुराण संहिता का ज्ञान श्री वेद व्यास जी से प्राप्त किया है। दर्शकों की इच्छा कामना के अनुसार यह बताते हैं कि नारद पुराण अग्नि पुराण में भी यह व्याख्या आई है कि सोनक जी व सूत जी दोनों ही श्री व्यास देव जी की शिष्य परंपराओं में से ही थे। सूत जी श्री व्यास देव जी की प्रशिष्या परंपरा तथा सोनक जी प्रशिष्य परंपरा में से व्यास देव जी की थे तथा यह व्यास देव जी के काल के उत्तर पश्चात में इन्होंने पुराण संहिता को कहा है, पुराण संहिता की विवेचना की है। जितने भी संवाद हुए हैं वह सब सूत जी द्वारा तथा सोनक आदि 88,000 ऋषियों के मध्य श्रीमद् भागवत को छोड़कर नैमिषारण्य में हुए हैं। श्रीमद् भागवत पुराण का संवाद परमहंस संहिता के रूप में सुकताल क्षेत्र में श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा किया गया है। अन्य सभी पुराणों की कथाएं श्री सूत जी ने कही हैं तथा सोनक आदि 88,000 ऋषियों ने सुनी है। इसी में के अंतर्गत सोनक जी कहते हैं, अष्टादश पुराणानि कृष्णेन मुनिनानघ कथितानि सुदिव्यानि पठितानि त्वया नघ। हे सूत जी, आपने कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास से अष्टादश 18 पुराणों की संहिता को सुना है, कथा को सुना है, यह दिव्य है। इसका पठन आपने वेद व्यास जी से किया है। पंचलक्षण युक्तानि सरहस्यानि मानद त्वया ज्ञातानि सर्वाणि व्यासात् सत्यवती सुता। आपने भगवती सत्यवती के सुत गुरुदेव श्रीमद् व्यास देव जी से पंच लक्षणों से युक्त यह मानद यह पुराण संहिता सुनी है जो सर्ग विसर्ग आदि पंच लक्षणों को रखती है। अस्माकं पुण्ययोगेन प्राप्तस्त्वं क्षेत्रमुत्तमं दिव्यं विश्वसनं पुण्यं कलिदोष विवर्जितम्। आप हमारे पुण्य फलों से, हमारे पुण्य कर्म के जागरण होने से ही आज यहां इस पुण्य क्षेत्र में जो कलि दोष से मुक्त है आप विराजमान हुए हैं, आप पधारे हैं, आप आए हैं। समाजो अयम मुनिनाम ही श्रोतु कामोस्ति पुण्यदाम पुराण संहिताम सूत ब्रूहि त्वम न समाहिता। हे सूत जी, यह मुनियों का समाज आपसे पुण्य फलदायी पुराण संहिता को सुनना चाहता है, यह अपनी यह कामना आपके समस्त रखता है। दीर्घायुर्भवं सर्वज्ञ तापत्रय विवर्जितं
कथयाद्यः महाभाग पुराणं ब्रह्म संहितं। हे सूत जी, आप दीर्घायु हैं, आप महाभाग हैं, आप तीनों ताप अधिदैविक अधिदैहिक अधिभौतिक से मुक्त हैं। हे सूत जी, आप ब्रह्म संहित जो पुराण संहिता है उसकी कथा हमें कहिए। श्रोत्रेन्द्रिय युताम सूत नराः स्वाद विचक्षणः न शृण्वन्ति पुराणानि वंचिता विदना हिते। हे सूत जी, जो व्यक्ति जिह्वा के स्वादों में लगा रहकर श्रोत्र इंद्रिय से पुराण संहिता को नहीं सुनता, वह जिस प्रकार अमृत सुधापान समक्ष चल रहा हो और वह उसका त्याग कर दे, वह व्यक्ति ऐसा है, इसी के समान है। यथा जिह्वेन्द्रियालाद खड़रसे प्रतिपद्यते तथा श्रोत्रेन्द्रिय आह्लादो वचो भी सुध्याम सुनता। हे सूत जी, जिह्वा के जिस प्रकार षड रस हैं, अर्थात तिक्त कटु मधुर लवण, इसी प्रकार श्रोत्रिय इंद्रिय के भी अपने रस हैं, जो कि कथा श्रवण से ही अनुभव में आते हैं, जिनका ज्ञान होता है। अश्रोत्राः फणिनः कामं मुञ्चन्ति नभो गुणे सकर्णा येन शृण्वन्ति त्यप्यकर्णा कथं न च। ये सूत जी, सर्प भी बिना कर्ण के सुंदर मधुर स्वर को सुनकर नाचने लगता है, फिर कर्ण होने पर भी इस मधुर, इस शीतल, इस सुधापान के समान अमृत से भी उत्तम कथा का श्रवण जो नहीं करते, वे बहरे हों तो उत्तम हैं, अर्थात बिना कर्ण के हों तो उत्तम हैं। अतः सर्वे द्विजा सौम्या श्रोतु कामा समाहिता वर्तते नेमिषारण्ये अक्षेत्रे कली भयार्तिता। अतः हे सौम्य, हे सभी द्विजों में उत्तम, हे श्रोतु काम, आप हमारी कामना के अनुसार हमें श्रवण में समाहित होकर इस नैमिषारण्य क्षेत्र जो कली के प्रभाव से मुक्त है में उपस्थित हो, हमें कथा का सुधापान कराएं। येन केनाप्युपायेन कालादिवाहनं स्मृतं यस्नैरिहि मूर्खाणां बुधानां शास्त्रचिन्तने। हे सूत जी, समय व्यतीत करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य मनुष्य करता ही है, परंतु दुर्बुद्धि विनाश कार्यों का समय व्यसन में, काम में, क्रोध में, मद में, लोभ में तथा अहंकार में लगता है। बुद्धि जनों का समय तो शास्त्र चिंता, पुराण संहिता श्रवण तथा ज्ञान को प्राप्त करने में ही लगता है। शास्त्रान्यपि विचित्राणि जल्पवादयुतानि च नानार्थवादयुक्तानि हेतुमन्ति वृहन्ति च। हे सूत जी, शास्त्रों में भी यद्यपि विचित्र प्रकार के अल्प अथवा अधिक ज्ञान की व्याख्या है, नाना प्रकार की युक्तियों से अपवाद हैं, जो जीव प्राणी आत्मा तथा मनुष्य को निकृष्ट तथा वाद विवाद में ले जाते हैं। त्रिविधानि पुराणानि शास्त्राणि विविधानि च वितंडा छलयुक्तानि गर्वामरककराणि च। हे सूत जी, पुराण संहिता भी त्रिविध है, तीन विधियों के अनुसार है, अतः आप छल आदि को छोड़कर ऐसी कथाओं का लक्षण हमें कहिए, ऐसी कथाएं हमें कहिए जो हमें ताप आदि से मुक्त कर सके, जो गर्व आदि की वितंडना में, छल में हमें न डाले। सात्विकं तत्र वेदांतं मिमक्षां राजसम्मतं तामसंन्याय शास्त्रं च हेतुवादाभियंत्रितं। ये सूत जी, वेदांत सात्विक है तथा मीमांसा राजसिक है, इसी प्रकार न्याय शास्त्र तामसिक है।
इन त्रिगुणों से युक्त ये भिन्न भिन्न शास्त्र हैं। इसी प्रकार पुराण संहिता भी त्रिगुणात्मक है, वह तामसिक भी है, राजसिक भी है तथा सात्विक भी है। आप हमें सात्विकता प्रदान करने वाली पुराण संहिता को कहिए, क्योंकि पुराण संहिता में भौतिक जीवन को प्रदान करने वाली मंत्र संहिताएं आदि भी हैं, ज्योतिष आदि शास्त्र भी हैं तथा मन को व्यग्र करने वाले तामसिक विचार भी हैं। तो आप हमें सात्विक, जो हमारे मन को सतोगुण प्रदान कर सके, ऐसी कथा को कहिए। तथैव च पुराणानि त्रिगुणानि कथानके कथितानि त्वया सौम्य पंचलक्षणमन्ति च। हे सूत जी, हमें पंच लक्षणों से युक्त त्रिगुण में से मुक्ति प्रदान करने वाली कथा को आप कहिए। तत्र भागवतम पुण्यम पंचमं वेद संहितं कथितं यत् त्वया पूर्वं सर्वलक्षण संयुतं। ये सूत जी, सर्व लक्षणों से संयुक्त भागवत कथा जो पांचवा वेद कहा गया है, आपने पुण्य वह भागवत हमें पूर्व में बताई है। उद्देश्य मात्रेण तदाकीर्तितम महापरमाद्भुतम मुक्तिप्रदम मुमुक्षुणां कामदं धर्मदं तथा। जो कामनाओं को प्राप्त करने चाहते हैं, जो धर्म को प्राप्त करने चाहते हैं, जो मोक्ष को प्राप्त करना चाहते हैं, ऐसी मुक्ति प्रद कथा उद्देश्य मात्र से पूर्व में आपने हमारे परम उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए कही है। विस्तरेण तदाख्या ही पुराणोत्तम मादरा श्रोतु कामा द्विजा सर्वे दिव्यम भागवतम शुभम। ये सूत जी, अब उसी कथा को विस्तार से हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं, अतः आप श्रोतु काम होकर हे द्विज हमें वह दिव्य कथा सुनाइए। त्वं तु जानासि धर्मज्ञ पौराणिं संहितां किला कृष्णोक्तां गुरु भक्त वात्सं यत्सत्त्वगुणाश्रया श्रुतान्यानि सर्वज्ञ त्वन्मुखानि श्रुतानि च नैव तृप्तिं व्रजामोद्य सुधापाने मरा यथा। हे सूत जी, सुधापान से मोक्ष प्राप्त नहीं होता, सुधापान से स्वर्ग प्राप्त होता है। हमें मोक्ष प्रदान करने वाली कथा कहिए। दिक्सुदाम पीबताम सूतः मुक्तिर्नेन कदाचना पीबन्न भागवतम सद्यो नरो मुच्चेत संकटा। हे सूत जी, सुधा का पान करने वालों को धिक्कार है, क्योंकि सुधापान स्वर्ग प्रदान करता है, परंतु भागवत कथा तो मुक्ति को प्रदान करती है। अतः आप हमें मुक्ति प्रदान करने वाली कथा को कहिए। सुधापान निमित्तं यत् कृता यज्ञ सहस्त्रशः न शान्तिमधिगच्छामः सूत सर्वात्मना वयम् मखानां हि फलं स्वर्गः स्वर्गात् प्रत्यग्मनं पुनः एवं संसार चक्रेष्मिन्न ब्रह्मतम च निरंतरम। बिना ज्ञाने न सर्वज्ञ नेव मुक्ति कदाचन ब्रह्मता काल चक्रेत्र नराणाम त्रिगुणात्मके। हे सूत जी, इस त्रिगुणों से युक्त इस सृष्टि में मनुष्य बार बार सुधापान की कामना से यज्ञ को करता है तथा वह जीवन मरण के चक्र में बंधा रहता है। आप इस सुधापान से मुक्त करने वाले, स्वर्ग से मुक्त करने वाले तथा जीवन मरण के संसार चक्र से मुक्त करने वाले श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण की कथा का हमें श्रवण कराइए, जिससे सर्व जगत सर्व मनुष्य जाति का कल्याण हो। अतः सर्वरसोपेतम पुण्यम भागवतम वदा पावनम मुक्तिदम गुह्यम मुमुक्षुणां सदा प्रियम। अतः हे सूत जी, सर्व रसों में पुण्यदायक भागवत का वदन आप हमें करिए, आप इसके वक्ता बनिए, आप हमें कहिए, हम आपके मुख से सुनना चाहते हैं। यह परम पवित्र है, मुक्ति को प्रदान करने वाली है, मोक्षियों को प्रिय है,
जो मोक्ष पद पर चलने वाले मुख्य हैं उन्हें प्रिय है तथा यह अति गुह्य है, अति गुप्त है, हम आपके मुख से इसका श्रवण करना चाहते हैं। ओम नमः चंडिकाय। अतः श्री इति श्री प्रथम स्कंदः श्रीमद्देवी भागवत पुराणांतर्गते प्रथम अध्याय। भगवान गणपति तथा मातारा आपका कल्याण करें।